इनका ऑलमोस्ट 7-8 ईयर से इससे परेशान है एंड सो उनसे पूछेंगे कि क्या क्या परेशानी होती थी और इस सर्जरी का डिसीजन आपने कैसे लिया। सो क्या आपकी स्टोरी है गायनेकोलॉजिस्ट की, 7-8 साल से आप परेशान हैं, तो फिर ये डिसीजन और कैसे अभी सर्जरी के लिए आपने सोचा और सर्जरी के लिए फिर डिसाइड किया? ये मुझे पहले नहीं पता था सर कि ये रोग कोई ज्ञान में बाकी प्रॉब्लम, मैं सोचता था ऐसे ही है। एक दिन मैंने वीडियो देखा, उसके बाद एक वीडियो देखा था जिसमें से ये था कि ये कोई हो भी सकता है ऐसा। उसके बाद मैंने आपके चैनल पे जाके बहुत सारे वीडियो देखे, क्या क्या होता है, बहुत सारे वीडियो देखने के बाद तब जाके डिसाइड किया कि अगर ऐसा हो सकता है तो देखा। मैंने आप 3-4 महीने पहले किया, कुछ बीच में इशू आ गए थे, बीच में कोविड का भी चल रहा था, इस वजह से मैंने चेंज कर दिया था। चेंज कर दिया था, ठीक है। सो इससे आपको टी शर्ट वगैरह पहनने में दिक्कत आती थी? टी शर्ट में दिक्कत होती थी सर, अब जैसे शर्ट व्हाइट है या नॉर्मल प्लेन शर्ट पहनने में काफी दिक्कत होती है, डार्क शर्ट पहनने में, चेक वाला शर्ट पहनने में थोड़ा सा तो ढक जाता था, मगर ये व्हाइट शर्ट ये सब पहनने में तो काफी दिक्कत। तो पेरेंट्स को बताया था आपने? सर कभी नहीं बताया। और आपने जो है ये शुरू में आपको क्या लगता था, ये फैट है या क्या चीज़ है? शुरू में मुझे लगता था कि स्वेलिंग टाइप में है, कुछ दर्द हो रहा है, होम्योपैथिक की दवा, क्योंकि आपको अच्छा दर्द भी है एक साइड में, थोड़ा साइड में दर्द है, होम्योपैथिक दवा मैंने ली काफी एक साल पहले, R89 ऐसे कुछ खाता था, इससे क्या फर्क पड़ा? कोई भी फर्क नहीं। ठीक है, सो फाइनली आज आपकी सर्जरी है एंड ये सर्जरी जैसे हमने बताया इसमें लेजर लाइपोसक्शन और ग्लैंड रिमूव कर देंगे एंड इसके बाद जो ये प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। ठीक है।